बागेश्वर मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव दांगर थोड़ाई सड़क मार्ग के सोलिंग और डामरीकरण न होने से यहां के ग्रामीण परेशान हैं। 2010 में बाईपास के नाम पर बना यह सड़क मार्ग आज यहां के ग्रामीणों के लिए समस्या का कारण बन चुका है। यहां तक कि आज तक ग्रामीणों को इसके कटान का मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग उनकी कृषि भूमि से मिलकर बना हुआ है और सड़क निर्माण के दौरान उनके खेतों में सिंचाई के लिए बनी नहरों को भी ध्वस्त किया गया था, जिसके मुआवजे के साथ ही उनकी नहरों को बनवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस सड़क मार्ग से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं, इस दौरान सड़क पर पड़े कीचड़ और पत्थरों से अनहोनी का आशंका बनी रहती है, जिसके लिए इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिए जाने के बाद अब भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं लता न्यूज 31 उत्तराखंड बागेश्वर से आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दियांगड़ थुणाई रोड के बारे में, जो नगर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर उस रोड में सोलिंग और डामरीकरण न होने के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और उन्हें यातायात की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं गोविंद कठायत, गांव सभा दियांगण। यह रोड विगत 10 वर्षों से खुदी हुई है, जिसमें कितने अभी किसान इतने हैं जिसको मुआवजा नहीं मिल पाया है। और यह रोड थोड़ा ही दियांगण जो बाईपास है, इसमें स्कूल है जिसमें 300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वो सुबह शाम इस रोड से बसों में जाते हैं, जिसमें जीना उनका बहुत मुश्किल से वो बसें चलती है। बरसात में तो ये रोड एकदम बंद हो जाती है, तो बच्चे बड़े मुश्किल से पैदल इसमें निकलते हैं। और जो इतनी सिंचाई यहाँ पर खेतों की सिंचाई है, सारे उसमें नाले जो जिसमें पानी जाता था सिंचाई के लिए, वो सारे नाले ध्वस्त कर दिए गए हैं। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शन कठायत, यहाँ ग्राम दियांगड़ का निवासी हूँ। विगत 10 वर्षों से 2010 में ये दियांगड़ थोड़ाई जो 2 किलोमीटर रोड जो रिंग रोड के माध्यम से जो बाईपास बना था, इसमें आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज 2020 लग चुका है और अभी तक इस रोड में न सोलिंग हुई है, न डामरीकरण हुई है। और सामने हमारा सेंट जोसेफ स्कूल भी है, जिसमें कम से कम 250-300 बच्चे हर रोज़ यहाँ से स्कूल को जाते हैं। और बरसात के समय में इस रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मतलब लोगों का चलना भी इसमें क्योंकि दुभर हो जाता है। तो बार बार हमने कई बार विभाग को भी सूचित किया है और उसके बाद हमने 2 बार जनता DM मैडम के वहाँ जनता दरबार में भी निवेदन किया है कि हमें ये रोड में थोड़ा डामरीकरण होना चाहिए इसमें करके, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड कब से चालू नहीं हो रही है, यहाँ पर कचरा हो रहा है, गाड़ी कितने ब्लॉक हो जा रहे हैं, बाइक कितने बार गिर गए रोड में, हमारा कुल सब टूट गया, नहर का पानी कहाँ से ले जाए, खेत में ले जाने की परेशानी हो रही है, रोड बाकी कचरा हो जा रहा है। हाँ, 10 साल हो गए इसको, ये रोड को देखो तो कितना कीचड़ हो रहा है, हमारे स्कूटी फंस जा रही है, गाड़ी फंस जा रहे हैं, बच्चे फिर बच्चे स्कूल है सामने, यहाँ इंग्लिश स्कूल है, बच्चे गाड़ी गाय बच्चे सब। हाँ,